और बात करते हैं उत्तराखंड में कुदरत के कहर की, जहां पर सुबह खबर आई कि मौसम जो है एक बार फिर बिगड़ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ाए खबर आ रही है कि मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है और कुछ हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने उड़ान भी भरी है। जी हाँ, खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से बाधित था। तमाम चौपर्स, तमाम जो सेना के जवान थे वो खड़े हुए थे पूरी रसद के साथ और पूरी तैयारी के साथ, लेकिन चौपर जो है वो उड़ान नहीं भर पा रहे थे क्योंकि मौसम जो है वो काफी बिगड़ा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ है, आसमान साफ हुआ है, विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है, उसके बाद दो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, उसमें जो तमाम जरूरी सामान है उसको लेकर और रेस्क्यू मिशन पर ये चौपर जो है वो निकले। अभी दो दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो भी टैक्सी करे हुए हैं, वो भी बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। सुबह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद थम जरूर गई थी, लेकिन अब जिस तरह से चौपर्स एक बार फिर से रेस्क्यू मिशन पर बाहर निकले हैं तो उम्मीद है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर से बचाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो केदार और हर्षिल सेक्टर के बीच नरवेली इलाके में है, जहां अभी भी खबर आ रही है कि हेलीकॉप्टर जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां पर लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 25 हेलीकॉप्टर जो है वो लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हुए थे खराब मौसम की वजह से, क्या अब सभी चौपर्स जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं 25 उन्होंने उड़ान भरकर अपने अपने मिशन पर निकल गए हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और कहां कहां से लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है, ओवरऑल अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए तिनाद, सुबह से ये जो रुका हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके पीछे रीजन ये था कि ऊपर का जो मौसम था बताया जा रहा था खराब था और वहां पर जाकर के हेलीकॉप्टर से ऑपरेट करके लोगों को ले आ पाना बेहद मुश्किल था और ये रिस्की था, जिसकी वजह से ये रोका हुआ था। और जैसे ही मौसम साफ हुआ है तुरंत ही ये शुरू किया गया है और देहरादून का जो एयरपोर्ट है यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा आगे कई जगहों से जो 2-3 और पॉइंट बनाए गए हैं वहां से भी हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुके हैं और ये वो है जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो हेलीकॉप्टर हैं जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो यात्री फंसे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को उन्होंने बुक किया हुआ है और वो अपने प्रशासन के इजाजत के बाद अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके जाकर जा रहे हैं और जिनकी अपनों से बातचीत हो पा रही है और लोकेशन उनको पता है कि उनके लोग कहाँ पे फंसे हैं उनको लेकर के आ पा रहे हैं। जो पूरा रूट है उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट जगह जगह बन गए हैं जहाँ पे सड़कें टूटी हैं और लोग। तमाम अपडेट के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से मौसम साफ होने के बाद शुरू हो गया है। 25 सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगे हुए हैं रेस्क्यू मिशन।